तो भाइयों फाइनली हमारी 9वीं और 9वीं के साथ 10वीं आईडी का भी कॉन्कर हो गया। यहाँ पे 9वीं आईडी में कुछ 457 रैंक करके छोड़ा था, 5261 करके छोड़ा था। और भाई जो 10वीं आईडी थी उसको भाई ने यार बोला था कि यूट्यूब पे मत दिखाना, उसमें एक पॉइंट ज्यादा ही था, ठीक है, यहाँ पे 62 पॉइंट करके छोड़ा था, तो उसमें भी कॉन्कर हो गया और भाई इसमें भी हो गया। और भैया जी ने यार दिखाने के लिए मना किया था तो नहीं दिखा सकते है ना। बाकी यहाँ पे कैदे दिल देखो भाई, अच्छे खासे यार मैसेज निकाले हैं, #2 #2 #2 भाई #2 कितने सारे निकाले हैं, बाकी प्लस भी अच्छे खासे निकाले हैं ना। और भाई यहाँ पे इसमें आज कॉन्कर हो गया, कॉन्कर कितने पॉइंट पे है ये भी देख लो, यहाँ पे 470 पे था, 5261 है, रैंक 470 हो चुका था, तो कॉन्कर इजिली इसमें हो गया था, ठीक है। अब देखो ये रही हमारी 11वीं आईडी जिसको आज ही मिला है, इसका पहले रैंक वगैरह देख लो, फिर थोड़ा सा आपको ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे 1500 के आसपास रैंक है, 114 का रिक्वायर्ड है, ट्राई करूंगा कि भाई आज ही इसमें कॉन्कर लगा दूं, बट देखते हैं यार अगर हो जाए आज तो अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा होगा, मतलब मैं भी खाली हो जाऊंगा है ना, ट्राई तो करूंगा लेकिन देखते हैं। बाकी यहाँ पे अब देखो करियर मजेदार चीज़ देखो, यहाँ पे भाई साहब ने 5248 पॉइंट कर लिया था ये देखो, ठीक है। अब इतने पे इनका कॉन्कर हो जाता, इनको खेलने की जरूरत नहीं थी, बट भैया खेल के यहाँ पे 43 का माइनस खा लेते हैं, लगभग 18 तारीख का बात है, तो उस दिन पे इनका कॉन्कर हो जाता। मतलब भाई बंदों को पता ही नहीं है यार भाई कितने टाइम पे कितने रैंक पे करके छोड़ना है ताकि कॉन्कर हो जाए। खैर ये मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो में, पूरा देखो। और भाई यहाँ पे ये भैया जी फिर से दोबारा से प्लस वगैरह कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं यहाँ पे 5244 पॉइंट पे ये देखो, उसके बाद फिर से माइनस खाते हैं, 16 का माइनस, 45 का माइनस, भाई ढेर सारे माइनस खाए भैया जी ने, बट भाई ने हार नहीं माना यार। बट गलती यही कर देते हैं कि भाई जब रैंक आ जाता है इनका कुछ 400-300 के आसपास फिर भी खेल लिए थे और इनका माइनस हो गया, और उसी चक्कर में भाई इनका पेट पुश करवा रहे हैं तो भाई पैसे का नुकसान भी हो गया कह सकते हो है ना। बाकी हम तो कॉन्कर कर ही देंगे, उसके पहले यहाँ पे इसका कैरेक्टर चेंज करते हैं भाई, मेरा फेवरेट विक्टर है उसको पकड़ लेते हैं, मेरे लिए लकी होता है यार। अब आते हैं भैया गेम प्ले पे, देख लो यहाँ पे सर्वर फ्रीज वगैरह हो चुका था, यहाँ पे कांड हो रहा था बैक टू बैक, हर बार लगातार भाई फ्रीज हुए जा रहा था, एक मिनट का नहीं मतलब भाई कुछ 2 सेकंड का अनफ्रीज कर तो उसके बाद तुरंत फ्रीज कर देता, तो इसी चक्कर में देख लो जैसे यहाँ पे अनफ्रीज हुआ और लैंड किया प्लेन में चिपक गया, ऐसे आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हो रहा है। खैर जो टॉपिक था यार कि हाँ कितने पॉइंट पे करके छोड़ना है ताकि आपका इजिली कॉन्कर हो जाए, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। अब देखो भाई अभी के टाइम पे ना पॉइंट ज्यादा नहीं भाग रहा है यार, जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा उससे आप ज्यादा से ज्यादा 15 का प्लस कर लोगे तो भी आपका इजिली कॉन्कर हो जाएगा। बाकी भाई 12-13 का भी प्लस एक्स्ट्रा कर लोगे रिक्वायर्ड से तो भी आपका इजीली कॉन्कर हो जाएगा, बट भैया 15 पॉइंट कर लोगे तो यार आप काफी ज्यादा सेफ रहोगे, ट्राई करो 20 कर लो तो कुछ ज्यादा सेफ रहोगे। नहीं तो भाई देखो एक मैं बात बताता हूँ, अगर आप भाई यहाँ पे 12 बज गए हैं, ठीक है, 12 बजे के टाइम पे आपका रैंक जो है 400 है, रात के 12 बजे 400 रैंक है तो भी आपका इजीली कॉन्कर हो जाएगा, आपको खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर 10 बजे के पास यहाँ पे जब 10 बजते हैं तब उसके आसपास यहाँ पे आपका रैंक 370 के आसपास है ना तो भी आपका इजीली कॉन्कर हो जाएगा, आपको खेलने की जरूरत नहीं है। और भैया दोपहर के 2 या 3 बजे तक आपका रैंक 300 तक रहेगा तो भी आपका इजीली कॉन्कर हो जाएगा, आपको खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग डरा मत करो यार, कुछ बंदे यहाँ पे डर के माइनस खा लेते हैं। कल जो भैया जी जिनका मैं किया ना 10वीं आईडी का, वो भी ऐसे ही, उनका मतलब भाई 5261 था, उतने पे उन्होंने मेरे से मैसेज किया तो मैं सोचा भाई आपका कॉन्कर हो जाएगा यहाँ पे, बट उन्होंने खेल लिया पहले। तो यहाँ पे सीन देखो, अनफ्रीज होता है, अंदर आता हूँ और एक भैया जी चाप देते हैं यार, नहीं तो भाई यहीं पे सर्वाइव करता यार काफी देर तक, यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाता। पहले तो भैया जी के यहाँ पे नाम पढ़ लो, रस बिस्ट वाइटी है ना, अब इनसे भाई यहाँ पे प्रतिशोध लिया जाएगा, वो भी भयंकर वाला, इनको प्राण दंड देना पड़ेगा, इनका प्राण हरण होगा है ना, तो वो सब आप लास्ट में देखना। अब भाई रोजोक में सर्कल था तो लैंड कर जाता हूँ और मैं सोचा थोड़ा सा लूट कर लिया जाए, सेंटर पकड़ के बैठ जाता हूँ, ठीक है। और हाँ क्या टॉपिक चल रहा था, हाँ भाई आप लोग डरा मत करो यार, जैसे वो भैया जी का 5261 पॉइंट था, अगर वो खेलते नहीं तो उनका उतने पे कॉन्कर हो जाएगा, हो जाता, ठीक है, हो जाएगा बोलता हूँ, हो जाता उतने पे, बट भैया जी माइनस खा लेते हैं और उनका दोबारा से मैं उतना ही प्लस कर दिया, 5261 पॉइंट किया और उतने पे उनका कॉन्कर हो गया, मतलब भाई उनका पैसा खराब ही हो गया समझ लो, वो ना खेलते तो उनका कॉन्कर हो जाता, बट भैया खेल लिए पता नहीं क्यों तो उनका वेस्ट हो गया पेट पुश कराए के पैसा, ठीक है, यही समझ लो। बाकी अपने लिए तो फायदा ही है, बाकी यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा होता हूँ थोड़ा सा लेट करके, और भाई डर भी लग रहा था क्योंकि हैकर भी था ना, चलो बोट आता है, बोट को मार के 1 किल हो जाते हैं। अब भाई यहाँ पे काफी देर बाद देखो सामने एक बोट रहता है और भाई एक गाड़ी आ जाती है, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ये गाड़ी वाला हैकर ही ना हो, पर सीन देखो
चलो ये भैया जी जाते हैं बोर्ड को कुचल के मारते हैं, उसको लूटने के लिए उतर भी जाते हैं। तो भैया इनको हम यहाँ पे चांप देते हैं, इनको थोड़ा सा मजा, क्या बोलूँ, मजा आ गया, 2 किलो हो गए अपने। अब देखो जो रुजुक वाला इवेंट था अपने बगल में था, समन सुमन हुआ नहीं था, इसके पास बग्गी थी, तो मैं सोचा बग्गी लेके जाया जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ पे समन वगैरह कर लिया जाए। एक और रिकॉल यहाँ पे मेरे पास रहेगा, तो मान लो डेथ सर्कल में मैं मर भी गया ना, तो भाई यहाँ पे दोबारा से रिकॉल हो जाऊंगा और भाई जो कि अपने लिए फायदा होगा, क्या तो भाई रिकॉल होकर मैं चिकन भी कर लूँ, लेकिन यार जाता ही हूँ यहाँ पे और ये साला दोबारा से फ्रिज कर देता है, ये देखो। चलो सक्सेसफुली फ्रीज हो गया, यहाँ पे सर्वर टाइम आउट वगैरह आ गया, ठीक है। जब ये आया करे तो यहाँ पे ओके वगैरह पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, होल्ड किया करो थोड़ी देर, वो ये अपने से वापस चला जाएगा, वो भी ऐसे ही, ठीक है। और भाई यहाँ पे होल्ड, भैया ये बंदा बार बार फ्रीज ऐसे कर रहा था, ऐसा आपके साथ होता है ना, और कुछ देर बाद दोबारा से अनफ्रीज हो जाता है, और जैसे अनफ्रीज होता है तो मैं आगे भागता हूँ और भाई फिर से फ्रीज कर देता है इधर पे आने के बाद। देखो सामने एक बंदा मेरे को दिख जाता है, वो मुझे लगा स्टार्टिंग में वो बोट होगा, लेकिन पास में जाके पता चलता है भाई एक बंदा है जो कि जोन में जाने का ट्राई कर रहा होता है। ये देखो भैया जी यार काफी अच्छा खासा लूट करके फिर जा रहे हैं। और हाँ आप लोग को थोड़ा सा भी मौका मिले ना तो भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा ऐसे सर्कल में जो है हीलिंग उठा लिया करो, क्योंकि भाई यही आपको लास्ट में काम देगा। अब देखो जैसे यहाँ पे अनफ्रीज होता है, मेरे पास भाई कुछ बैंडेज थे जो कि उठा रखा था, क्योंकि मुझे पता था ये सारे सीन होंगे तो काम आएगा। भाई बैंडेज घिसते 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 यहाँ पे देखो मैं कौन से सर्कल तो भाई यही रहेगा, मतलब भाई कितने हीलिंग पे कितने HP पे जोन में एंट्री करता हूँ वो देखो। चलो जोन में हमारी एंट्री हो जाती है भाई, बाकी के सारे बंदे बस भाई जोन से मरे जा रहे थे। यहाँ पे अपना पहला फोकस था कि भाई पहले तो अपना टॉप 10 हो जाए, जब टॉप 10 हो जाए तो टॉप 5 करेंगे, जब टॉप 5 हो जाएंगे तो भाई चिकन करने का ट्राई करेंगे। आता हूँ, ये वाला वास्ट और खाली था तो मैं सोचा ठीक है यार होल्ड कर लिया जाए, कहीं पर क्या ही मतलब जाने का है ना। अब भाई आ जाता हूँ सक्सेसफुली, अब फ्रिज भी हो जाना तो अपने को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि भाई सर्कल भी था यहाँ पे तभी सामने बंदा। भाई बस्ट मार के मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई जैसे यार देख लो थोड़ी देर बाद फिर से अनफ्रीज बोल रहा हूँ, फ्रीज हो गया ये। ये देखो भाई क्या कर सकते हैं यार, इनका तो चलता रहेगा है ना, बाकी हम तो डिमोटिवेट होने वाले हैं नहीं, कर लेंगे कॉन्कर। जैसे अनफ्रीज होता है देखो सामने भैया जी को चांपते हैं। चलो हार्डी भैया को मार के यहाँ पे हमारे 3 किल हो गए, रोटेशन जा रहा था भाई, डैमेज तो अच्छा खासा दिया, बट भाई यार हेड ही नहीं कनेक्ट हुआ है ना, नहीं तो भाई उतर जाता। अब सामने एक बंदा होल्ड कर रहा था पानी के साइड में, ठीक है, नेट वगैरह करता है, अब भाई दोबारा से नेट आ सकता है ना, तो यहाँ से निकल जाते हैं, ऊपर जाते हैं, भाई ऊपर भी नेट आ सकता था, इसलिए भाई एकदम से अंदर नहीं जाता, इधर पर रुकता हूँ सीढ़ियों की तरफ, तभी पीछे एक शायद ये बोट था। चलो जो भी हो यहाँ पे किल अपने को मिल गया है ना, 4 किल हो गया और अपना यहाँ पे टॉप 10 भी हो गया। और भाई अपने लिए अच्छा बात यह था कि भाई सर्कल बैक टू बैक अपने पे ही बनता था, और यहाँ पे भैया जी पुश भी कर देते हैं ये देखो। और भैया इतने किल किया यहाँ पे, इनमें से किसी ना किसी को तो मैं मारा था जो यहाँ पे हैकर था, ठीक है। खैर यहाँ पे ये पानी वगैरह का यूज करता है, तो मैं सोचा ठीक है पानी मार रहा है ना, क्या ही कर लेगा, बाकी भैया जी रश करना है तो इधर ही से करेंगे, फिर देखो क्या करता हूँ। अब भैया जी के साथ में हो गया, आए हाय ओए होए, भैया जी को मार के 5 किल हो जाते हैं। बट भैया यहाँ पे यार अपना देख लो आईपैड वाला व्यू जो है ग्लिच हो चुका था, जो पानी मारा था ना उसकी वजह से। अरे तेज की क्या ही स्प्रे मार दिया यहाँ पे भाई, 2 टन उतारा था यहाँ पे मार के। खैर यहाँ पे मैं 6 किल हो गए थे भाई, इसके लिए लाइक वगैरह भी कर सकते हो यार। और भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, भाई लोग थोड़ा सा यार समझो, बात को समझो, 10,000 होने वाले हैं तो करवा दो यार। कल के वीडियो में बंदे सब्सक्राइब ही नहीं किए यार, बुरा लग रहा था, थोड़ा सा तो डिमोटिवेशन फील होता है, बट कोई ना भाई, अपने को तो वीडियो डालना ही है, क्या कर सकते हैं। आप लोग लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, वैसे भी मैं अपने लिए वीडियो डालता हूँ, ठीक है। और क्या बोलूँ भाई, अब सब भाई अपने लिए काम करते हैं ना, अगर कोई काम करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा अलग बात नहीं है, बट कोई ना भाई, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मैं मोटिवेट रहूँगा है ना, तो कर दो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्या बोलूँ मैं। बाकी बंदे बचे थे मेरे अलावा 3, ठीक है।
अब भैया का एक ठो नदी के साइड था, अब तो एक तो मेरे ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, नाच रहा है, घूम रहा है, और एक आगे के साइड का भी कहीं पे था ऐसे कुछ। हाँ, वो जो दिख रही है गाड़ी ना, उधर ही पे था। कौन सी गाड़ी है? मोस्टर ट्रक। बट मुझे यार ऐसा लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सर्कल अपने पे ही बैक टू बैक श्रिंक हो रहा था, बनता चला जा रहा था, तो मैं सोचा चिकन हो जाएगा। बट भैया यहाँ पे एक बंदा जो है शॉटगन चला रहा होता है यार, जो कि काम गड़बड़ कर देता है। और ये बंदा भी थोड़ा सा क्लोजिंग कर जाता है, लेकिन वो अभी भी जोन के बाहर था, ठीक है, मॉन्स्टर ट्रक वाला। तो मैं सोचा जोन के अंदर आएगा तो मारूंगा ही, बाकी उस बंदे का भी नाम याद रखूं जिन्होंने अपने को इवेंट पे, मतलब भैया जिसने यार मेरे को मारा था गंदे तरीके से, M249 से एकदम से हैकर की तरह मारा था, तो उसके भी पेटी बनाएंगे भी, देखना। चलो शॉटगन वाला बंदा है यार, इसी से डर लग रहा था, इसको पहले ही मार लेता या फिर ये मर ही जाता तो अपना चिकन हो जाता। क्या मतलब भाई, मैं यहाँ पे बता दिया पहले से कि चिकन नहीं होता। चलो थोड़ा सा डैमेज दिया लेकिन इससे कुछ होता नहीं। और भाई क्या पता अभी के टाइम पे सर्वर हैकर मर चुका था, स्मोक हुआ था। अब देखो भैया जी, अगर आगे आएंगे तो ये जो खिड़कियां हैं आगे ना, इधर ही से लेंगे, ठीक है, प्रीफायर वगैरह इधर से लेंगे। तो मैं सोचा भाई खिड़कियों से इनको मारूंगा ना, इधर से मारूंगा। बाकी नाम पढ़ लू, रश बीस्ट वाईटी। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रतिशोध जो है पूरा हो गया, रिवेंज पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया। बाकी लास्ट का एक बंदा बचा था जो कि सामने ही था। भाई अपने पास यहाँ पे नेड मोली होता तो मजा ही आ जाता यार, जो कि नहीं था, जिसका यार थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था, बट कोई नहीं। अब देखो ये बंदा ना इधर पे आके नेड मोली करने लगता है, तो मैं सोचा कूदा जाए। अब देखो भैया मेरी मोस्ट ऑफ द गोलियां तो दीवार में ही लड़ गई, बट भाई अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। बाकी भी भाई शॉटगन था तो क्या ही कर सकते हैं, देख गोली कनेक्ट होनी होती है। फिर भी यार सर्वर फ्रेज लॉबी में 23 का प्लस निकाला हूँ, ये सोचो पहले। इसके लिए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भाई बंदे माइनस खा के जा रहे हैं, 40-40 का, 50-50 का, उसमें मैं यार 23 का प्लस निकाला हूँ, तो सोच ही सकते हो यार, अच्छा बात है ना। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार इस वीडियो से आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिला ही होगा, तो उसके लिए तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाकी भाई यहाँ पे कैरियर रील देख लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।